मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि भाई चैप्टर नंबर 2.1 जो कि आज हम कराने जा रहे हैं, उससे पहले मैं चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस भी अपलोड कर चुके हूँ, जिसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल के बेस की वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये सब आपको बताया था। 2.1 में जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है, उसमें पॉलिनोमियल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है, हमें उस केवल उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के बताना है कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। पिछली वाली जो बेस की वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें ना केवल पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बल्कि मैंने ये भी बताया था कि पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको नहीं बताया था। आज हम आपको बताते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि पॉलिनोमियल की गिवन हो तो हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं यदि हमारा पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में हो। यदि पॉलिनोमियल वाई के टर्म में हो, मैं कह सकती हूँ y^2 - y^2 - 2y + 1 = 0, तो मैं कहूंगी कि y एक्सिस को ये जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने पॉलिनोमियल होंगे। फिलहाल एक्सरसाइज 2.1 में हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके से है, y = px की फॉर्म में, यानी पॉलिनोमियल है एक्स के टर्म में। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा मैं कहूंगी उसके उतने ही जीरोज होंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख ले। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट का ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब मेरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल की ये है, ये एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, मैं कहूंगी इट मींस इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है, देयर आर नो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकेंड टर्म देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं, बुक सामने रख ली है मैंने। यहां मैंने देखा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, जरा देखिए ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो मैं कहूंगी इसके कितने जीरोज होंगे, इसका केवल और केवल वन जीरोज कितने होंगे, वन होंगे, या देयर इज ओनली वन जीरो। यहां मैं बात करूं इसके थर्ड पार्ट की, तो देखिए कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, इट मींस इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, टू जीरोज होंगे। इस वाले ग्राफ की बात कर लें, ये एक्स एक्सिस को देखिए यहां कट कर रहा है और यहां कट कर रहा है, यानी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, इसके भी टू जीरोज ही हो जाएंगे। इसकी बात कर लें, ये एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इस वाले ग्राफ के बारे में बात कर लें, तो ये एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3,
क्योंकि ये 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं कहूंगी इसके जीरोज हो गए कितने, 3। तो उम्मीद करती हूँ दिमाग में केवल इतना रखेंगे एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसके उतने ही जीरोज हो जाएंगे। फिर से बता दूं, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, 1, 2, 3 और 4, और इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियोस का एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।